अरे राहुल, ट्रैक्टर को हल्के हल्के चलाओ, बहुत तेजी से चला रहे हो तुम। अरे ट्रैक्टर की ट्रॉली पे सबसे पीछे मैं अनाज के ऊपर बैठा हुआ हूँ, कहीं मैं गिरोर ना जाऊँ। लालू जी एक बात बताओ, अगर मैं इस ट्रैक्टर को हल्के हल्के चलाऊंगा तो इस ट्रैक्टर को अपना लोग जल्दी शहर में अनाज मंडी तक लेकर पहुँच जाएंगे, इसीलिए मुझे ट्रैक्टर को थोड़ा तेज चलाना पड़ता है, जिससे कि मैं जल्द से जल्द तुम लोगों के इस अनाज को लेकर अनाज मंडी जल्दी पहुंच जाऊं और जल्द से जल्द सारा का सारा अनाज बिक जाए। नहीं तो अपना लोग देर से पहुंचे तो सारे के सारे व्यापारी भाग जाएंगे। अरे राहुल भैया सामने देखो, मोदी जी एक बोरा लिए चले आ रहे हैं अपनी पीठ पर, ये तो ट्रैक्टर की तरफ आ रहे हैं। ट्रैक्टर में ब्रेक लगाओ। अरे मोदी जी, अभी तो मैं आपको गांव में घूमता फिरता छोड़कर आया था, इतनी जल्दी आप ये बोरा लेकर पीठ पर कैसे चले आए, क्या बात है बोलो। अरे राहुल ये बताओ, अभी तुम मुझे मिले थे जब, तुमने बताया क्यों नहीं था कि मैं अनाज मंडी ट्रैक्टर लेके जा रहा हूँ। वो तो मुझे अभी अमित शाह जी ने बताया कि राहुल योगी जी का, केजरीवाल का और लालू जी का अनाज लेकर अनाज मंडी में गया है अपने ट्रैक्टर पे। फिर मुझे ध्यान आया कि एक बोरा अनाज तो मुझे भी अनाज मंडी में जाकर बेचना है, तो इसीलिए राहुल इस अनाज की बोरी को अपनी इस ट्रैक्टर की ट्रॉली पर रख लो। लेकिन मोदी जी बुरा मत मानना, आप तो मेरी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर वजन पहले से ही ओवरलोड है, मैं आपकी इस अनाज की बोरी को अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे नहीं रख सकता। राहुल गलत बात है, मोदी जी इतनी दूर से गाँव से भागते हुए तुम्हारे ट्रैक्टर तक आए, इनकी इस अनाज की बोरी को अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रख लो, एक बोरी वजन बढ़ने से क्या हो जाएगा। अरे योगी जी बात को आप समझ नहीं रहे हो, इस ट्रैक्टर की ट्रॉली पे एक बोरी वजन नहीं बढ़ेगा, ये बोरी तो इस ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रखेंगे ही रखेंगे, साथ में खुद भी बैठेंगे। तो क्या हुआ राहुल, हम तुम्हारी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे ये अनाज के बोरे लेकर जा रहे हैं तो हम भी तो बैठकर जा रहे हैं, अगर मोदी जी बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। केजरीवाल आप समझ नहीं रहे हो, मैंने अनाज की बोरियों को अच्छी तरीके से रस्से से बांध दिया है और इनकी अनाज की बोरी रखने के लिए मुझे अनाज पर कसे हुए रस्सी फिर से खोलना पड़ेगी। राहुल बात को ज्यादा जलेबी की तरह मत घुमाओ, अगर तुम रखना चाह रहे हो इस अनाज की बोरी को अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रख लो, नहीं तो मना करो, गांव में मैं भी रहता हूँ तुम भी रहते हो, आगे तुम्हें मुझसे बहुत से काम पड़ेंगे। चलो मोदी जी भड़को मत, रख लो अपनी अनाज की बोरी को मेरी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे और बैलों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल इसी तरीके से खड़े रहोगे, इसीलिए मैं तुम्हें काम पर नहीं लाता हूँ। अरे तुम्हें मालूम ही है अमित शाह की ये पूरे के पूरे खेत की खुदाई अपना लोगों को आज करके देनी है, लेकिन तुम सही तरीके से काम कर ही नहीं रहे हो, देखो अखिलेश कितनी मेहनत से काम कर रहा है। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आप मुझे से कहते रहते हो, देखो योगी जी भी कितने आराम से खड़े हुए हैं, जैसे काम करने के लिए नहीं आए हो यही मालिक हो। योगी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, तुम भी बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहते हो, ऐसे ही खड़े पड़े हो, तुम्हें देखकर राहुल भी खड़ा हो रहा है, सिर्फ लगन से अखिलेश ही काम कर रहा है और लालू जी मेरे बराबर में काम कर रहा है। मोदी जी हम तो मेहनत का पैसा लेते हैं। अरे हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें पैसा पैसी थोड़ी मिल जाएगा। माना कि मोदी जी आप हमारे ठेकेदार हो, आप हमारे काम को देख रहे हो, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो कल को तुम मुझे काम पर नहीं लाओगे। ये बताओ मोदी जी, हम थोड़ी देर के लिए अगर खड़े हो गए तो कौन सी दिक्कत हो गई आपको, देख रहे हो पीछे 2 बीघा खेत की खुदाई कर चुके हैं अपना सब लोग और अभी 4 बीघा खेत की खुदाई करना बाकी है, हो जाएगी 3-4 दिन में खेत की खुदाई। लेकिन योगी जी मैंने तो अमित शाह जी से 2 दिन में सारी की सारी खेत की खुदाई करने का वादा किया है, मैंने उनसे कहा है कि 2 दिन के अंदर तुम्हारे सारे के सारे खेत की खुदाई कर दूंगा, लेकिन तुम सही तरीके से काम कर ही नहीं रहे हो और तुम्हारे मन में तो पहले से ही खोट है, कह रहे हो कि 4-5 दिन में काम करूंगा। ये बताओ मोदी जी, हम लोग इंसान ही तो हैं, इंसानों के तरीके से तो काम करेंगे, हम कोई मशीन थोड़ी है जो मशीन की तरह काम करेंगे। देखो मोदी जी आप हमारे ठेकेदार हो, हम आपकी बात सुनते हैं, लेकिन इतनी बात भी नहीं सुनेंगे कि नाजायज बात हो। अरे हम मेहनत मेहनत के हिसाब से करेंगे, आपने उल्टा सीधा ठेका क्यों ले लिया खेत की खुदाई का, आप अमित शाह जी से कम 10 दिन में इस खेत की खुदाई करने का ठेका लेते। केजरीवाल जी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, तुम इस जरा से खेत की खुदाई 10 दिन में करना चाहते हो, तुम काम ही नहीं करना चाहते हो, लगता है तुम्हें काम से निकालना पड़ेगा, किसी और को काम पर लाना पड़ेगा। अरे मोदी जी आराम से बात किया करो सब मजदूरों से, तुम तो सब लोगों पर चढ़े रहते हो, देखो इन सब लोगों से जितने प्यार से काम करा लोगे उतने ही अच्छा काम करते रहेंगे, अगर तुम गुस्सा होकर इनसे बात करोगे तो ये 1 दिन भी काम नहीं करेंगे, सारे के सारे मजदूर भाग जाएंगे, और लाओगे मजदूर वो भी भाग जाएंगे, इसीलिए प्यार से काम लिया करो। वैसे मोदी जी एक बात मैं सच्चाई कहूँ, आपने ठेका कम दिन का ले लिया, ज्यादा दिन का लेना चाहिए था, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।